हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सो गाइस टुडे आवर टॉपिक इज एडजेक्टिव तो गाइस हम पढ़ रहे थे एडजेक्टिव के बारे में पहले हमने एडवर्ब के बारे में पढ़ा था पीछे वाली वीडियो में एडजेक्टिव के बारे में भी हमने पढ़ा था और ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो मैंने आपको अलग अलग वीडियो में अच्छे से इलेबोरेट करके पढ़ाया है अब तो हम इसकी एक्सरसाइजेस डिस्कस कर रहे हैं किस तरह से कौन कौन से एडजेक्टिव फिल होंगे तो गाइस आज हम एरर्स डिस्कस करेंगे क्योंकि एरर्स जो है वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं और बहुत सारे एरर्स ऐसे हैं जो हमें मतलब प्रॉपर तरीके से हम फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं तो आज हम एडजेक्टिव के रिलेटेड जो एरर्स हैं दैट विल

The the first, some part of the sentence have errors and find out which part has an error. वो कह रहे हैं कुछ पार्ट जो सेंटेंस का है उसमें एरर है और आपने फाइंड आउट करना है कि कौन से पार्ट में एरर है द फर्स्ट ए पार्ट जो है दैट इज अकॉर्डिंग टू द सर्वे ए पार्ट इतना सा है क्या इसमें कोई एरर है अकॉर्डिंग टू द सर्वे में इफ देयर इज एनी एरर देन

और डी मतलब अगर कोई एरर नहीं भी है तो यू हैव टू चूज वन अगर नहीं है तो डी वाला अगर है तो जिसमें एरर है उसको आपने चूज करना है तो गाइस प्रॉपर से पढ़िए और ध्यान दीजिए किस पार्ट में एरर होगा तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी पार्ट More than in place of more of. यहाँ पे क्या आएगा अकॉर्डिंग टू द सर्वे मोर देन फोर्टी परसेंट ऑफ इंडिया वो कहते हैं मोर ऑफ नहीं होता कभी भी यहाँ पे जो सुटेबल रहेगा वो क्या होगा मोर देन वो कह रहे सर्वे के अकॉर्डिंग Uh, मतलब फोर्टी परसेंट से भी ज्यादा जो इंडियन है दे डोंट हैव एक्सेस टू बैंक उनके पास बैंक तक के पहुंच नहीं है बैंक तक का मतलब वो नहीं है उनके पास तो ये सब क्या है आपका ये एरर है इस तरह की छोटी छोटी एरर्स जो है दैट यू हैव टू फाइंड आउट इन दीज सेंटेंसेज तो गाइस आई होप कि फर्स्ट वाला आप प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए होंगे कि किस तरीके से हमें एरर फाइंड आउट करना है तो दिस इज योर फर्स्ट सेंटेंस और आपका मोर बी पार्ट में यहां पे एरर है मोर ऑफ की जगह आपका मोर देन ऑन है ओके तो सेकंड सेंटेंस सेकंड सेंटेंस में भी सेम आपको एरर फाइंड आउट करना राम विल बी सस्पेंडेड बिकॉज़ ही ओपेंड एन अकाउंट विदाउट ऑब्टेनिंग कहा एर होगा राम बी वो कहते है, राम हो जाएगा क्योंकि ही ओपन डेंड अकाउंट क्योंकि उसने अकाउंट ओपन किया था बिना विदाउट ऑपटेंडिंग नन ऑफ द बिना क्या ऑप्टेन किए कोई भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑप्टेन किए बिना ही उसने क्या कर दिया था काउंट ओपन कर दिया था तो राम जो है वो सस्पेंड हो जाएगा हो सकता है वो बैंक का कोई आ, मतलब आपका कोई वो है वर्कर है वहां का और उसने ऐसे अकाउंट बिना कोई डॉक्यूमेंट लिए ही अकाउंट को ओपन कर दिया है अब इसमें आपको एरर ढूंढना है अगर है तो ढूंढिए अगर नहीं है तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर तो ये आपने चूज करना है तो गाइस इसका जो राइट right आंसर होगा दैट इज सी पार्ट विदाउट एंड नन ठीक है विदाउट ए नन कैन बी यूज टूगेदर बिकॉज बूथ है विदाउट और नन जो है ये कभी भी एक साथ यूज नहीं होतेउट ऑपटेनिंग नन ऑफ द यहाँ क्या विदाउट ऑप्टेनिंग नेक्यूमेंट तो यहाँ पे इस तरीके से आ सकते हैं बिकॉज बूथ हैव क्योंकि इन दोनों का क्या है नेगेटिव मीनिंग सी पार्ट जो है दैट इज द एर

प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन लेने में वो अवॉइड करता है एट रेगुलरली इंटरवल डेली के इंट्रवल में देखिए इसमें ध्यान से पड़ी एक छोटी सी मिस्टेक आपको दिखेगी क्या मिस्टेक है ही अवॉइड आप इसमें इसका जो आपका वो होगा वो होगा सी शुड बी रेगुलर इंट्रवल बिकॉज इंट्रवल इज अउन एंड इट रिक्वायर्स एन एडजेक्टिव वो कह रहे हैं शुड बी यहाँ पे क्या होना चाहिए शुड बी रेगुलर इन ट्रबल होना चाहिए रेगुलरली इन ट्रबल नहीं होता रेगुलरली आपका एडवर्ब की तरह ट्रीट होता है लेकिन रेगुलरली नहीं आएगा क्योंकि आपका जो इन ट्रबल है दैट इज द नाउन आ रहा है इन ट्रबल आपका और इसको आपके एडजेक्टिव चाहिए तो रेगुलरली आपका एडवर्ब होता है ना कि आपका एडजेक्टिव होता है तो सी पार्ट में एरर रहेगा ठीक है देन हिज गुड क्वालिटीज इंक्लूड िटी टू टेक क्यूकली एंड अप्रोप्रिएट डिसीजन वो कह रहा है उसकी जो गुड क्वालिटी है वो उसमें क्या आता है उसकी एबिलिटी जो कि क्या करता है देखिए इसमें जो एरर रहेगा वो कौन सा एरर रहेगा तो गाइस इन तीन इस जो तीनों पार्ट है इसमें जो एरर रहेगा वो रहेगा आपका सी पार्ट क्योंकि शुड बी क्यूक एंड अप्रोप्रिएट डिसीजन अब देखिए यहाँ टू तो टेक क्यूकली नहीं आता टू तो टेक क्यूक एंड्रोप्रिएट डिसीजन क्यूक एंड नहीं होगा क्यूक एंड होगा जल्दी और बिल्कुल प्रॉपर अप्रोप्रिएट जो सही वाला डिसीजन होगा वो ले, लेता है वो ठीक है जी उसकी गुड क्वालिटी है तो सी पार्ट में आपका एर है आई ऑर्डर टू एंश्योर क्यूक सर्विस प्लीज गिव अस ऑल द required डिटेल एज क्यूक एज पॉसिबल वो कह रहा है आई ऑर्डर टू एंश्योर मैं ऑर्डर कर रहा हूँ इंश्योर कर रहा हूँ क्यूक सर्विस के लिए प्लीज गिव अस ऑल द रिक्वायर डिटेल एज क्यूक एज पॉसिबल एज क्यूक एज पॉसिबल तो इसमें गाइस जो आपकी मिस्टेक रहेगी वो रहेगी आपकी सी पार्ट में एज सुन एज पॉसिबल होता है ना कि एज क्यू कैज पॉसिबल तो यहाँ पे आपका डिटेल्स आपने बहुत बार पढ़ा होगा कभी भी एज क्यू कैज पॉसिबल नहीं पढ़ते हैं. हम एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके ठीक है ड्रेड क्रोर्स ईच ईयर अब मैंने मोर ऑफ वाला एक और पढ़ाया था वहां पर भी आपकी मिस्टेक थी मोर देन आना था और यहाँ भी आपकी बी पार्ट में मिस्टेक रहेगी दैट इज द मोर देन आएगा इंस्टेड ऑफ मोर ऑफ की ठीक है मोर देन फोर्टी

बट ईच एंड एवरी सोल्जर वॉज इक्वल टू फाइव पुलिस मैन वो कह रहा है यहाँ पे बहुत सारे क्या थे देर आर ओनली टू सोल्जर्स दो सोल्जर थे लेकिन ईच एंड एवरी सोल्जर वॉज इक्वल हर एक जो सोल्जर था वो क्या था बट ईच सोल्जर वॉज इक्वल टू फाइव ओलिसमैन अब इसमें जो एरर रहेगी वो रहेगी आपकी बी पार्ट में क्योंकि ईच एंड एवरी शुड बी रिप्लेस्ड बाईल एवरी मैंने पहले से ही कर दिया था क्योंकि ईच एंड एवरी फॉर मोर देन टू पर्सन टू मतलब मोर देन टू ओलनी जब दो से हम ज्यादा बात करें तब हम बोलते हैं ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ द क्लास बिकॉज एट दाइम वी वर टॉकिंग अबाउट द

His own. इसमें जो आपका एरर रहेगा वो डी पार्ट मेंल्डली सक्सेस बाय हुई प्रुक सो देर्व टू बी लुकड डाउन अपॉन अब इसमें आपका जो एरर रहेगा गाइज अच्छे से देखिए इसका जो एरर रहेगा वो रहेगा आपका ए पार्ट का

ठीक तो है है तो जो वो कह रहा है, मैंने क्या किया किया था कुछ problems को होने होने में होने में इस प्लान को इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज द बी शुड बी सटन प्रॉब्लम और सटन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होना चाहिए सटन प्रॉब्लम ठीक है वो कह रहा है मैंने कुछ प्रॉब्लम क्या की थी फील की थी

मैनी प्रॉब्लम बिकॉज शुड बी मैनी प्रॉब्लम होना चाहिए मचनी क्वान्टिटी के लिए यूज होता है तो हम इसको किस लिए यूज करेंगे आपका मैनी काउंटेबल नाउस में okay? तो आपका बी पार्ट में कैन यू टेल मी हाउ मैनी एग्स एंड मिल्क ही हैज बॉट होम वो कह रहा है क्या तुम तो मुझे बता सकते हो हाउ मैनी एग एंड मिल्क यहाँ पे मैनी नहीं रहेगा

होल द चैप्टर चैप्टर ऑफ द बुक इज फुल ऑफ प्रिंटिंग एरलेसनेस इसमें जो आपका एरर रहेगा वो रहेगा आपका ए पार्ट में होल द चैप्टर ऑफ द बुक इज फुल ऑफ प्रिंटिंग सारा जो चैप्टर है बुक का वो क्या है फुल ऑफ प्रिंटिंग फुल ऑफ प्रिंटिंग एरर एरर की मतलब प्रिंट हो रखी है तो यहाँ पे होल नहीं आएगा सीधा द होल चैप्टर यहाँ क्या द होल चैप्टर द बाहर की तरफ आ जाएगा तो ए पार्ट में एरर है ही डिजेंट लाइक टू लेंड मी एनी बुक और एनी मनी अब देखिए एनी मनी तो नहीं होता है यहाँ पे आपकी जो तो मिस्टेक रहेगी वो सॉरी uh, आपका डी पार्ट में मिस्टेक रहेगी यहाँ पे नो no एरर रहेगा ठीक है ही डिजेंट लाइक टू लेंड मी एनी बुक और एनी मनी वो कभी भी पसंद नहीं करता उधार पे कोई बुक लेना या कोई मनी लेना ठीक है तो नो एरर यहाँ पे दिस इज द राइट सेंटेंस

बेटर नहीं आता कंपेरेटिवली गुड आता क्योंकि आल्सो द वो आपका पहले ही कंपेरिजन हो रहा है बेटर लिखने की जरूरत नहीं है कंपेरेटिवली भी ये पॉजिटिव डिग्रीज होती है आपको उसके साथ गुड लिखना है ओके okay? तो यहाँ पे सी पार्ट में याद आ है ऑफ द टू प्लेयर्स ही इज द लक्कीस्ट वो कहता है दो प्लेयर्स में वो luckiest है विश्योर तुम श्योर मतलब इस चीज पे श्योर हो तो इट शुड बी द लक्कीयर बिकॉज बेन चॉइस फॉर्म ऑफ द वो लक्र होना चाहिए लकीस्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि लकीस्ट होता है जो सब में हो जब दो में हो तो वो लकीर होता है दैट इज द कंपैरिजन बिटवीन द टू पर्सन ये हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा था कंपैरेटिव डिग्री पॉजिटिव और सुपरलेटिव तो लकीस्ट जो हो गया वो दैट इज द सुपरलेटिव डिग्री लेकिन हमने जब दो लोगों की बात करी है तो दैट इज द कंपेरेटिव डिग्री तो यहाँ पे लकीयर आएगा ठीक है थर्ड में आपका एरर है रीता कैन सिंग मच देन दे सॉन्ग्स स्ट्रेच एंड शी डेवलप्ड डेवल्प्ड डिसबिलिटी बाय लेवरिंग हार्ड वो कहता है रीता जो है वो सिंग कर सकती है मच देन 50 सॉन्ग्स एट ए स्ट्रेच एंड शी डेवलप्ड डिवेल्प डिसबिलिटी बाई लेवरिंग हार्ड तो यहाँ पे जो एरर रहेगा ए पार्ट में यहाँ आएगा शुड बी मोर देन It can sing more than, ना much than आपको पहले क्वॉन्टिटी के लिए यूज होता है हाउ मच मिल्क ठीक है तो यहाँ पे क्या आएगा आपका आपका यहाँ पे मच का यूज नहीं मोर का यूज होगा क्यूरियस टू नो वॉट इज वॉज दैट मेड हिम स्ट्रॉगर एंड ब्रेवर देन एनी मैन ऑफ दिस वर्ल विलेज तो यहाँ पे कौन से पार्ट में आपका एरर रहेगा एरर विल बी ऑफ सी पार्ट यहाँ पे क्या आएगा बी शुड बी एनी अदर मैन इन पार्ट सी में ठीक है एनी अदर मैन एनी अदर मैन आएगा इन सी पार्ट में यहाँ इन पार्ट सी लिखे अदर मैन रहेगा ठीक है स्ट्रोंगर देन एनी अदर मैन यहाँ पे सी पार्ट में आपका एर है नेक्स्ट आपका शी हैज रिमार्केबल लवलिंग अपियरेंस विच ब्रिंग्स हर ऑनर एंड एडमेशन एज वेल आपका जो एर है वो आपका है बी पार्ट में यहाँ पे लविंग होना चाहिए ना कि लवलिंग होना चाहिए क्योंकि अपियरेंस जो है वो आपका एक नाउन है और तो इसको एक एड्जेक्टिव की जरूरत होती है जो हमने पहले भी बीच में एक सेंटेंस में डिस्कस किया था वहां पे कि आपका एडजेक्टिव को एड नाउन को एडजेक्टिव की जरूरत होती है तो यहाँ पे आपका एड वर्ब लगा है। तो यहाँ पे लविंग आएगा ना कि लवलिंग आएगा ठीक है तो गाइस ये आपके सेंटेंसेस है जो आज हमने एरर्स फाइंड आई होप कि आप प्रॉपर तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कौन कौन सी एरर्स है और ये आपके अः तरीके से आप इसको प्रॉपर तरीके से और एरर की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप अच्छे से फाइंड आउट कर पाए छोटी छोटी एरर्स को भी तो गाइस जो अब ये हमारा था जो हमने प्रीवियस आपको होमवर्क के लिए दिया था आज हम इसको डिस्कस करेंगे ठीक है एंड्रिया हैड अ डैश इन हर हेयर यस्टरडे वो कह रहा है एंड्रिया जो है वो क्या था येलो बो nice उसका क्या था एक नाइस येलो बो था इन हर हेयर उसके हेयर में यस्टरडे पिछले कल तो यहाँ पे नाइस येलो बो रहेगा शी लॉस्ट अ डैश उस वो उसने अपनी क्या लॉस्ट कर दी अब देखिए स्मॉल व्हाइट कैट अब कैट इज द नाउन वाइट इज ये आपके दो तरह के आ रहे हैं। पे आप इसको डैश ऑरेंजेस उसने क्या खरीदे थे कुछ ग्रेट बिग ऑरेंजेस खरीदे थे ठीक है द क्लाउन वॉज बीअरिंग डैश हैट बिग ग्रीन एंड येलो हैट ठीक है द कुकीज दैट यू डैश वो कहता है कुकीज जो तो आपने बेक्ड की थी स्मेल डिलीशियस उनकी जो स्मेल है वो बहुत ही स्वादिष्ट आ रही है डैश पीपल एट द कॉन्फ्रेंस हम मिले थे टू वेरी स्मार्ट स्मार्ट पीपल पीपल दो बहुत ही से कॉन्फ्रेंस में इज इट गेटिंग कोल्ड आउटसाइड क्या बाहर बहुत ठंड हो रही है इज इट इज इट गेटिंग कोल्ड आउटसाइड क्या बाहर बहुत ज्यादा ठंड हो रही है ठीक है तो ये आपका यहाँ पे ये वाला आंसर आएगा द कोर्स यू आर एक इंग साउंड इंटरेस्टिंग वो कहता है जो तुम ले रहे हो, उसकी साउंड जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग आ रही है माई अंकल वो ब्लू सिल्क टाई दंकल ने क्या पहनी थी एक ब्लू सिल्क टाई पहनी थी बेडिंग में टेंथ है क्या तुम मिल चुके थे उससे मिल चुके हो जो क्यूट न्यू बॉय है अगले मतलब घर में है जो नेक्स्ट डोर पे क्या तुम उससे मिल चुके हो तो यहाँ पे आप क्या आएगा Cute new boy. So guys, ये आपके थे जो ऑब्जेक्टिव का हमने होमवर्क दिया था जो आपका कंप्लीट हो गया तो आई होप की आप इसको भी अच्छे से आपके आंसर सही होंगे इसको भी आपने अच्छे से फिल किया होगा तो नेक्स्ट जो नेक्स्ट गाइस ये आपका होमवर्क रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव की ये वाली वीडियो है ये आपकी होमवर्क रहेगी आपको प्रॉपर जो एडजेक्टिव है आप सब डिग्री का ध्यान रखिए सुपरलेटिव पॉजिटिव और कंपेरेटिव डिग्री कहाँ जब जहाँ पे दो चीजों का कंपेरिजन हो रहा है वहां पे आपकी कंपेरेटिव डिग्री लगती है जहाँ पे दो से ज्यादा है वहां पे आपका सुपरलेटिव का रहता है इन सब चीजों का ध्यान रखिए और यहाँ पे आपका ये जो एक्सरसाइज है इसको फिल कीजिएगा तो आई होप की आप इसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से फिल करेंगे और जो एर आपको पढ़ाई है उसकी और भी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो Okay, friends, thanks for watching my video. If you like my video, then please like, share, and subscribe my channel.